अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट किया हुआ है ताकि आपका टाइम सेव हो रेसिपी को। इस वक्त मैं बना रही हूँ ये घरेलू स्टाइल के जो चने होते हैं, ये देगी स्टाइल नहीं है, देगी स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये मैं बना रही हूँ इस वक्त सफ़ेद चनों का पुलाव। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी मैं आपको चनों की और चावलों की बाद में बताऊँगी। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने तकरीबन 1/4 कप ऑफ ऑयल लिया है हीट करके। उसमें एक प्याज, 1 अनियन मीडियम साइज़ की मैंने काट के डाल दी है और अब ये गोल्डन होना स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा साबुत गरम मसाला ऐड करना है जो कि पुलाव में लाजमी जाता है। इसमें आप देख रहे हैं तकरीबन ब्लैक क्यूमन सीड जो हैं वो मैंने 1/2 टीस्पून लिए हैं। 1/2 टीस्पून क्यूमन सीड हैं, यानी कि काला ज़ीरा और शाह ज़ीरा दोनों आधा आधा चम्मच हैं। 1 स्टिक ऑफ सिनेमन यानी कि दारचीनी का है। चंद मैंने इसमें क्लोव्स ली हैं, यानी कि 4-5 क्लोव्स हैं, 4-5 आपको ब्लैक पेपर हैं नज़र आ रही, और 1 कार्डमम है ब्लैक यानी कि बड़ी इलायची। और इसको अब मैं ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा ये कुक होगा और हमने इसको ज़रा डार्क ब्राउन में लेके जाना है प्याज को, क्योंकि ये पुलाव की है। अच्छा, ये इस वक्त गोल्डन हुई हुई है लेकिन आपको रिकॉर्डिंग में ज़रा सी डार्क नज़र आ रही होगी। तो मेरा रिक्वायर्ड कलर जो है वो अब आ चुका है। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। अदरक 1 खाने का चम्मच है और लहसुन थोड़ा डालते हैं। लहसुन अदरक मैंने डाला था पिसा हुआ, वो साथ ही बहुत ज़्यादा उसकी साउंड थी तो मैंने उसको बंद किया था। 1 खाने के चम्मच अदरक था, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ लहसुन था। और यहाँ पे जो मैंने चावलों का रेशो है वो तकरीबन मेरे 350 ग्राम है, यानी 350 ग्राम्स ऑफ राइस हैं, सोक्ड वेल, 1 घंटा भिगो दिए थे। और साथ मेरे बॉयल चने हैं और तकरीबन ये हैं 1 पाव के करीब हैं, यानी 250 ग्राम्स ऑफ चिक पीस मैंने लिए हैं। ठीक है, ये हमारा ज़रा सा कुक होता है तो मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। 1 टमाटर लिया है, बड़े साइज़ का है। साथ मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं, उनको मैंने 2 पीसेस में कर लिया है। अगर बच्चों ने खाना हो तो हम बड़ी बड़ी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने कट कर लिया है सिंपली। और साथ मैंने 1 चाय का चम्मच, साथ मैंने 1 टीस्पून साल्ट लिया है जो मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छा, अब मैं थोड़ी देर इसको सिमर करूँगी, अबाउट 10 मिनट्स, तो टमाटर जो हैं वो बिल्कुल गल जाएंगे। और नमक हम बेसिकली तब एडजस्ट करेंगे जब हम चावलों को ऐड करेंगे। इस वक्त मैंने 1 टीस्पून डाला है ताकि हमारा जो मसाला है वो ज़रा अच्छा सा मैश हो जाए उसकी वजह से। तो मैं आपको आफ्टर 10 मिनट्स दिखाती हूँ। आफ्टर 10 मिनट्स ये अच्छी तरह से अब फ्राई होने लगा है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है 1 टीस्पून। ऑप्शनल है क्योंकि कुछ लोग पुलाव में मिर्चें पसंद नहीं करते, तो मुझे थोड़ी अच्छी लगती है तो मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, यानी क्रश्ड रेड चिली मैंने 1 टीस्पून ऐड की है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल का आइकन प्रेस कीजिए, इस तरह से तमाम नई आने वाली कुकिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। यहाँ पे ये मसाला भून चुका है। मैं यहाँ स्ट्रेट अपने अब चने जो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, आप कैन भी यूज़ कर सकते हैं, मैं लेकिन रेकमेंड करूँगी कि आप खुद से घर में उबले हुए चने ही इस्तेमाल करें। थोड़ा सा नमक मैंने डाल के उबाल लिया था। अब मैं 5 मिनट इसको कुक करूँगी। 2 से 2.5 ग्लास यानी 2.5 ग्लास ऑफ वाटर ऐड किया है और अब मैं इसको सिमर करूँगी, कुक करूँगी फॉर 5 मिनट्स। ये तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं जो 1 घंटा मैंने चावल भिगोए थे, 350 ग्राम चावल थे, और आप देख रहे हैं कि तकरीबन पानी जो है चावलों से 1-1 इंच ऊंचा है। इसको मैं तकरीबन 5 मिनट ये मीडियम लो फ्लेम पे पकेगा और फिर 5 मिनट के बाद मैं इसकी फ्लेम लो कर दूँगी। इसकी सारी डिटेल आपको मेरे पंजाबी पुलाव में और एक बेसिक पुलाव में मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे पुलाव के तरीके, बिरयानी के काफ़ी सारी रेसिपीज़ में डाल चुकी हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं इसकी डिटेल कि इनको दम कैसे देना है।
अगर मैं रिपीट करती हूँ उससे ये होता है जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं वो फिर बोर हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने आंच हल्की कर दी है और आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा पानी है, चावल अभी हमारे कसर वाले हैं लेकिन इंशाल्लाह बिल्कुल कम्प्लीटली ये डन होंगे। मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ अबाउट 10 to 15 मिनट्स, 10 मिनट्स के बाद मैं इसको चेक करूँगी और चूल्हा बंद कर दूँगी। अगर थोड़ी कमी हुई तो मैं 5 मिनट का और दम दे दूँगी। तो नमक मैं चख चुकी हूँ, 2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा साल्ट मैंने डाला है, आप टू दी टेस्ट एडजस्ट कीजिएगा। अब मैं इसको सिमर के लिए रख रही हूँ फॉर 15 मिनट्स। मैं ये दिखा दूँ आपको कि मैं इस तरह से रुमाल कवर कर देती हूँ, इससे अगर थोड़ा सा पानी की कमी जाती हो वो बिल्कुल सही एडजस्ट हो जाता है। हाँ जी, ये देखें आपके सामने एक एक दाना अलग अलग है किस तरह से है। हालांकि मैं एक दो दफ़ा इसे हिला चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड को भूख लगी थी, मैंने खाना निकाल के दे दिया है। अब यही कहना है आपसे, इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट का दम दिया था, यानी सिमर किया था फॉर 15 मिनट्स। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक देगी स्टाइल होता है, घरेलू स्टाइल होता है, ये सिंपल वे है हमारा चने के पुलाव का। बाकी ये कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियोस को लाइक दीजिएगा और फ्रेंड एंड फैमिली में वीडियो पसंद आए तो मस्त शेयर कीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।